Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic is Benedict Qualitative Test. हम देख रहे हैं Benedict Qualitative Test के बारे में कि किस तरीके से Benedict का टेस्ट किया जाता है, क्या पर्पस है इसका, पर्पस हम किससे पता चलेगा हमको प्रिंसिपल से कि क्या किस लिए करते हैं, पर्पस प्रिंसिपल से क्लियर होएगा और जो बाकी की जो आगे रिक्वायरमेंट्स है, जो प्रोसीजर है वो मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा इस टॉपिक में. तो चलिए शुरू करते हैं Benedict टेस्ट. तो हम देख रहे हैं बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव टेस्ट. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में दोनों में अंतर होता है बेटा, है ना. इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बाद में कभी. अभी हम इस पर देख लेते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, यानी कि क्वालिटेटिव में आता है कितनी उसकी क्वालिटी चेक की जाती है और क्वांटिटेटिव में उसकी क्वांटिटी चेक की जाती है. ठीक है, तो क्वालिटेटिव टेस्ट में बेनेडिक्ट हम क्यों करते हैं. This test is performed for the determination of glucose in urine. ये हम test perform करते हैं किसके लिए, determination और find out करने के लिए sugar level, glucose भी नहीं बोलूँगा, sugar levels in urine. Urine में कितना sugar present है वो पता लगाने के लिए. अब मैं sugar क्यों बोल रहा हूँ, glucose क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ उस चीज़ को. वैसे तो ये glucose के लिए ही होता है पर मैं इसको अभी शुगर बोल रहा हूँ. और इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका पूरा वीडियो बना जब कंप्लीट होते जाएगा अपना, ये लास्ट में आपको क्लियर करूंगा इस चीज़ को. तो लास्ट तक देखना वीडियो, दो मिनट देख के बंद मत करना. ठीक है, अभी इसका आते बेटा प्रिंसिपल पर कि इसका कारण क्या है, इसका सिद्धांत क्या है कि क्यों बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है. प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है आपको. क्यों जरूरी है बेटा, कभी वाइवा में, कभी इंटरव्यूज में और कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो ऑब्जेक्टिव्स में आता है, पर अगर पूछ लिए तो आपको पता होना चाहिए, है ना. प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है बेनेडिक्ट का. तो प्रिंसिपल सबसे पहले पढ़ते हैं हम. व्हेन बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव रिएजेंट, जब बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव रिएजेंट को जो कि 5 ml उसकी क्वांटिटी हम लेते हैं, इज हीटेड विद, जिसको हीट करते हैं. व्हेन बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव रिएजेंट इज हीटेड विद 8 drops of urine. जब बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट को हम हीट करते हैं 8 drops of urine के साथ, ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन रिड्यूसेस, क्यूप्रिक आयंस प्रेजेंट इन द रिएजेंट टू क्यूपरस आयंस. जो ग्लूकोज है यूरिन में प्रेजेंट रहता है, अगर प्रेजेंट रहा ग्लूकोज यूरिन में अगर प्रेजेंट रहा, ये रिड्यूस करता है यानी कम कर देता है, क्यूप्रिक आयंस को कन्वर्ट करता है क्यूप्रस आयन में. यही इसका सिंपल प्रिंसिपल है. ठीक है, फिर से बता दूं, व्हेन बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट, जब बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव रिएजेंट को हम उसमें मिक्स करते हैं 8 drops ऑफ यूरिन के साथ और फिर इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद जो ग्लूकोज अगर उसके अंदर प्रेजेंट रहा या शुगर उसके अंदर प्रेजेंट रही तो वो रिड्यूस करेगा क्यूप्रिक आयंस को जो कि प्रेजेंट है काय में, रिएजेंट में, बेनेडिक्ट रिएजेंट में जो क्यूप्रिक आयंस प्रेजेंट है उसका, जो यूरिन में जो ग्लूकोज है वो क्या करेगी, क्यूप्रिक आयंस को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देगी. फिर से बताऊं, मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको, बेनेडिक्ट रिएजेंट में प्रेजेंट है क्यूप्रिक आयन और यूरिन में प्रेजेंट है शुगर यानी ग्लूकोज प्रेजेंट है. तो जब इन दोनों को मिक्स, यूरिन और बेनेडिक्ट को हीट करेंगे दोनों को मिलाकर, तो जो यूरिन में जो ग्लूकोज है और बेनेडिक्ट में क्या है, क्यूप्रिक आयन है, जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर जो क्यूप्रिक आयन है उसको कन्वर्ट करेगा काय में, क्यूप्रस आयन में. किस में कन्वर्ट करेगा, क्यूप्रस आयन में. और जब भी कन्वर्ट होएगा तो क्या होगा, इसका कलर चेंजेस होंगे और वो जो कलर चेंजेस होते हैं उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं या क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं यूरिन का. और वो चेंजेस कलर को हम ग्रेड देते हैं और उस ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, कितनी लेवल में ये प्रेजेंट है शुगर इसके अंदर, ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, इस तरीके से हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल क्लियर हुआ. 3 से 4 बार मैं प्रिंसिपल बता दिया हूँ कि जब बेनेडिक्ट रिएजेंट को हम हीट करेंगे और हीट करने के पहले मिक्स करेंगे 8 drops ऑफ यूरिन के साथ, तो जो ग्लूकोज है जो यूरिन में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट करेगा क्यूप्रिक आयंस को जो प्रेजेंट है बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्यूप्रस में. और यही हमारा सिद्धांत है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, इतना एक्सप्लेन करना इस चीज को आप लोग को आ जाना चाहिए इतने में भी. ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप.
रिक्वायरमेंट्स, हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी बेनेडिक्ट टेस्ट लगाने के लिए। टेस्ट ट्यूब्स एज यूजुअल जरूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब की, बंसिन बर्नर की, बर्नर रहता है एक, बर्नर यानी कि हमारे घर का स्टोव नहीं, एक बंसिन बर्नर रहता है इस तरीके का दिखता है। इस तरीके का बर्नर रहता है, ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, स्पिरिट भरा रहता है ना। और इसको क्या करते हैं, जला लेते हैं बंसिन बर्नर को, और फिर उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। बंसिन बर्नर, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, पाश्चर पिपेट एंड यूरिन सैंपल और टेस्ट ट्यूब होल्डर। और क्या होना चाहिए इसमें, छठवां पॉइंट, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर भी होना चाहिए ना हमको। टेस्ट ट्यूब कैसे होल्ड करोगे, हाथ में पकड़ोगे कांच तो चटकाने लग जाएगा, ठीक है। क्या क्या चीजों की जरूरत है हमको, टेस्ट ट्यूब, बंसिन बर्नर, बेनेडिक्ट रिएजेंट, पाश्चर पेपर, यूरिन सैंपल नहीं रहेगा तो फिर टेस्ट कहां से लगाओगे, और टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब आते हैं बेटा हम इसके प्रोसीजर पे, वो मैं आपको ओरली बताऊंगा, है ना। प्रोसीजर इतना नंबर लिख नहीं सकता मैं, आप है ना, तो आपके हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठे हैं हम, रटने नहीं बैठे, मैं आपको रटाने के लिए नहीं आया हूँ चैनल पे, ठीक है, वीडियो में नहीं, आपको कोई चीज रटाने के लिए नहीं, बस समझाने के लिए बनाया हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने प्रोसीजर इसमें नहीं लिखा है। प्रोसीजर में क्या है बेटा, सबसे पहले क्या करना है हमको, पाश्चर पिपेट से या कोई भी अगर आपके पास मेजरिंग सिलेंडर भी हो, मेजरिंग सिलेंडर रहते हैं ना, लंबे लंबे मेजरिंग सिलेंडर रहते हैं इस तरीके के, मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, मेजरिंग सिलेंडर में आप लोग 5 ml यूरिन, सॉरी 5 ml बेनेडिक्ट या पाश्चर पिपेट से नाप लो। आपके पास अगर ग्रेजुअली बड़ी पाश्चर पिपेट है उससे नाप लिया, 5 ml हमने क्या लिया, बेनेडिक्ट रिएजेंट लिया सबसे पहले, है ना। बेनेडिक्ट रिएजेंट लेने के बाद, 5 ml लेने के बाद उसको कहाँ में डालेंगे हम, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। 5 ml क्या डालेंगे हम, सबसे पहला प्रोसीजर अगर मैं आपको लिख दूँ, प्रोसीजर पहला स्टेप क्या है, 5 ml बेनेडिक्ट, 5 ml हमने क्या लिया, बेनेडिक्ट लिया। 5 ml बेनेडिक्ट लेने के बाद क्या करेंगे हम, कहां से लेंगे, मेजरिंग सिलेंडर से हमने बेनेडिक्ट लिया, है ना, साफ और क्लीन होना चाहिए वो। उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या है हमारा, उसमें डालेंगे हम 8 drops यूरिन की, यूरिन की कितनी डालेंगे, 8 drops यानी 0.5 ml क्वांटिटी में होना चाहिए, है ना। आप लिख सकते हो 0.5 ml इसकी क्वांटिटी, 8 drops ऑफ यूरिन कहाँ में डाला हमने, टेस्ट ट्यूब में, है ना। हमने क्या ले लिया था इसमें, बेनेडिक्ट रिएजेंट ले लिया था। इसके बाद क्या डालेंगे हम, अब बर्नर को जलाएंगे, बर्नर को जलाया उसके बाद क्या करोगे आप, टेस्ट ट्यूब को फिक्स करोगे होल्डर में, ठीक है, होल्डर में फिक्स किया। अब होल्डर फिक्स करने के बाद आप उसको कैसे, अब आपको करना है उसको हीट, हीट कैसे करोगे, नीचे वाला जो पोर्शन है, जो टेस्ट ट्यूब है, जैसे कि बर्नर है अगर ये, तो ये जो नीचे वाला, जैसे कि मैं रख देता हूँ, ये है टेस्ट ट्यूब, है ना, ये रहा आपका होल्डर, है ना, टेस्ट ट्यूब होल्डर, और नीचे है आपका बर्नर, और इसमें क्या है, बेनेडिक्ट और यूरिन। कैसे हीट करोगे आप इसको, स्लाइटली तिरछा रहना चाहिए, कर्व रहना चाहिए ये, है ना, झुका हुआ, और कहाँ रहना चाहिए ये,
जैसे कि ये मेरा पेन है, है ना, ये पेन है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी कि जब आप कोई भी टेस्ट ट्यूब अगर होल्ड करोगे तो किस तरीके से होल्ड करोगे। अगर कोई सामने नहीं है तो इस तरीके से रखो, उस सामने की तरफ, है ना। अगर कोई सामने है तो इस तरफ रखो, और अगर कोई इस तरफ है तो इस तरफ रखो, है ना। दोनों तरफ तो कोई रहेगा नहीं आपके, और ना ही कोई सामने रहेगा। तो अगर कोई डिस्टेंस पे है और दोनों तरफ कोई है और कोई डिस्टेंस पे खड़ा है तो आप रख सकते हो उसको ऐसा, पर अपने तरफ टिल्ट करके नहीं रखना है इसको, है ना। ऐसा टिल्ट करके नहीं रखना है, ऐसा टिल्ट करके रखोगे तो जब ये हीट होएगा तो ये बबल बनते हैं, हीट होके ये उबलने लग जाता है, बॉइलिंग होने लग जाती है इसकी। हमको क्या करना है, इसको बॉइल कराना है। तो जैसे ही बॉइलिंग होती है बेटा, तो ये क्या होता है, एकदम से बॉइल होकर इसमें झाग नहीं आता, कैसे बबल्स बनते हैं, बॉइल होता है, ये बबल्स में होते हैं, इसके एकदम से स्पिल हो जाता है, इसका निकल के बाहर आ जाते हैं बबल्स। और क्या होता है, ये गर्म रहता है तो आपके ऊपर भी क्या हो सकता है, इसको डैमेज हो सकती है, स्किन बर्न हो सकती है आपकी, है ना। तो हमको इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, इसको होल्ड करने का एक तरीका रहता है कि आप या तो सामने अपने तरफ इसको करके ना रखें। हाँ, बाजू में अगर कोई है तो उसका भी ध्यान रखें कि बाजू वाले को भी ना जाइए, जो मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ। अब इसको हीट करना है, तो हीट कैसे करोगे, स्लाइटली टिल्ट करके इसको, और टिल्ट करके हीट करोगे क्या, तो हमको इसको डायरेक्ट हीट करना है कि पार्शियली हीट करना है। इसको कैसे करेंगे हीट, इसको हम पार्शियली हीट करेंगे। अब पार्शियली हीट कैसे करेंगे हम इसको बेटा, डायरेक्ट अगर आपने रख दिया है ऐसा तो ये हीट हो के कांच इतना गर्म हो जाएगा कि ये ब्रेक कर देगा, फूट जाएगी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो हमको टेस्ट ट्यूब को फोड़ना नहीं है, तो कैसे करेंगे हम, ग्रेजुअली, ठीक है। जैसे कि ये इंक की बॉटल है, ये चल रही है फ्लेम, तो कैसे हीट करोगे आप इसको, ग्रेजुअली, है ना। इस तरीके से क्या होगा, कुछ सेकंड के लिए आ रही है टेस्ट ट्यूब, गर्म हो रही है, कुछ सेकंड के लिए बाहर चली जा रही है, यानी डायरेक्ट उसके ऊपर क्या नहीं हो रही है, हीट नहीं हो रही है, ठीक है। ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं हिलाना, धीरे 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 स्लोली स्लोली इसको इस तरीके से हीट करते रहना, ठीक है। और जैसे जैसे वो गर्म होते जाएगा बेटा, वैसे वैसे वो क्या होगा, कलर चेंज करते जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, जैसे जैसे वो गर्म होते जाएगी अंदर आपका बेनेडिक्ट और यूरिन, वैसे वैसे क्या होगा, कलर चेंज करते जाएगा। अब हमारा पॉइंट आता है कि भाई वो कलर चेंज करेगा तो किस कलर में दिखेगा वो, ठीक है। तो जो आपका बेनेडिक्ट आता है बेटा, वो आता है ब्लू कलर में, है ना, स्काई ब्लू कलर का होता है वो, हल्का सा स्काई ब्लू जैसा, हल्का स्लाइटली कलर का रहता है वो, जैसे समुद्र का कैसे पानी रहता है ब्लू दिखता है, उस तरीके से बेनेडिक्ट भी ब्लू कलर में दिखता है। अब जब इसमें ग्रेजुअली हम उसको हीट करने लग जाते हैं तो कलर चेंज करता है। कलर चेंज कौन कौन से कलर में करता है, ये ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इस तरीके का ये कलर में आता है ना। ग्रीन से येलो में आएगा, है ना, फिर ऑरेंज आएगा, फिर रेड आएगा, और फिर ब्रिक रेड आएगा, है ना। कौन कौन से कलर आ जाएंगे हमारे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड कौन सा, ब्रिक रेड, समझ रहे हो मेरी बात, रेड कौन सा, ब्रिक रेड। ब्रिक रेड क्यों बोलते हैं इसको, ब्रिक देखा, ब्रिक यानी बेटा ईटा, ईटे बनते हैं ना, घर बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, ईटे बनाते हैं, तो ईटे का कलर देखे हो आपने, हल्का सा गेरुआ कलर रहता है ना, गेरुआ होता है ना, रंग दे दूंगे गेरुआ, खूब गाना सुने होंगे, तो गेरुआ कलर जैसा उसका हल्का सा कलर रहता है ईटे का, उस तरीके का रंगत आ जाती है जब उसको हम हीट करते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं इसको ब्रिक रेड। हाँ, इसमें जो है और भी कलर्स क्या, ब्लू से हल्का सा ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन, हल्का डार्क ग्रीन से हल्का सा लाइट ग्रीन से होते होते हल्का सा येलोइश ग्रीन से हल्का होते होते ऑरेंजिश ग्रीन से होते होते हल्का सा स्लाइटली येलो में कन्वर्ट कर होते ऑरेंज आएगा, येलोइश ऑरेंज, फिर ऑरेंज में कन्वर्ट होगा, फिर हल्का सा ऑरेंजिश रेड हो जाएगा, फिर रेड होएगा, फिर क्या होगा, ब्रिक रेड होएगा। तो एग्जैक्टली अगर इतने सारे कलर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, पर जो मेन कलर्स हैं जो ये कन्वर्ट होता है ना, अब एक एक कलर का ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं आपको लिखा नहीं सकता कि ये, हाँ अभी धीरे 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 ऑरेंजिश रेड, ग्रीनिश रेड और ये सब क्या है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है कलर्स के। कलर बन क्या रहा है एग्जैक्टली हमने वो देखा है, ग्रीन बन रहा है, ग्रीन के बीच में, ग्रीन से येलो में आने वाली प्रोसेस में कौन कौन से कलर में कन्वर्ट हो रहा है, हल्का होते होते, वो चीज़ नहीं देखनी है हमको, है ना, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड, कौन सा रेड, ब्रिक रेड। इस तरीके के कलर में क्या होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है ये,
क्यों कन्वर्ट हो रहा है ये? कन्वर्ट इसलिए हो रहा है ये क्योंकि जो क्यूप्रिक आयन है बेनेडिक्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो रहा है काय में, क्यूप्रस आयन में। किसके कारण? जो ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन में वो क्या कन्वर्ट कर रहा है, क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, उसका कलर ग्रेजुअली चेंज होते जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल इसका प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल इसकी प्रोसीजर है, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें कि बेनेडिक्ट बोले तो नहीं यार बहुत खतरनाक चीज पूछ लिया, बहुत खतरनाक चीज आंसर करनी, बिल्कुल सिंपल है अगर उसको सिंपली अगर आपने समझ लिया तो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 5 ml हमने बेनेडिक्ट लिया, उसमें 8 drops यूरिन डाला, यूरिन डालने के बाद क्या करा हमने, उसको होल्डर में रखकर बंसन बर्नर जलाकर ग्रेजुअली हीट किया, कलर चेंज होते गया। और जैसे ही लास्ट में जो कलर प्रोडक्ट देगा, वो लास्ट में जो कलर प्रोडक्ट आया उसको क्या करेंगे हम, इसकी रेटिंग लिख देंगे कि इसकी इतनी रीडिंग है। अब रीडिंग कैसे लिखेंगे हम, क्वेश्चन ये आता है कि इसकी हम रीडिंग लिखेंगे कैसे। जैसे जैसे ये चेंज होते जाएगा, जैसे कि प्लस प्लस टू प्लस थ्री और प्लस फोर, इस तरीके की इसकी रीडिंग दी जाती है। ग्रीन आया तो प्लस, येलो आया तो प्लस टू, ऑरेंज आया तो प्लस थ्री और रेड आया तो प्लस फोर, इस तरीके की इसकी क्या दी जाती है, रीडिंग दी जाती है जब हम बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि हमने प्रिंसिपल क्लियर हुआ आपका, इक्विपमेंट्स प्रोसीजर क्लियर हुआ, हीट कैसे करते हैं वो क्लियर हुआ। ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको इसके बाद, कलर कैसे आते हैं, कौन से कलर होते हैं और उन कलर्स की रीडिंग कैसे दी जाती है। ठीक है, ब्रिक रेड के बाद अब कोई कलर नहीं बनने वाला उसमें, अब ये क्यों बनता है वो सारा चीजें मैंने क्या बताया आपको, प्रिंसिपल में बताया। अब जो लास्ट पॉइंट था मेरा बताने का, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, जो मैंने बोला था कि मैं शुगर बोल रहा हूं, ग्लूकोज नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, बेनेडिक्ट में क्या कर रहे हैं, शुगर टेस्ट लगाते जरूर है पर मैं इसको शुगर नहीं, मैं ग्लूकोज बोलना चाहता हूं। मैं क्यों बोलना चाहता हूं इसको ग्लूकोज, शुगर बोलना चाहता हूं, इसलिए बोलना चाहता हूं कि बेटा क्योंकि बेनेडिक्ट जब हम टेस्ट लगाते हैं तो जो शुगर होती है बॉडी में, यूरिन में से निकल रही शुगर, बहुत सारी प्रकार की होती है शुगर, है ना, शुगर ग्लूकोज के फॉर्म में भी होती है, शुगर फ्रक्टोज के, लैक्टोज के, माल्टोज के फॉर्म में शुगर, और सुक्रोज, ये बहुत सारी फॉर्म में शुगर्स होती हैं, है ना, बॉडी में से। सुक्रोज तो चलो हम बाहर से लेते हैं पर बॉडी में से हमारी क्या क्या निकलती है, ग्लूकोज, लैक्टोज और क्या है, गैलेक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, इतनी सारी टाइप की क्या निकलती, शुगर्स निकलती हैं। तो अब ये शुगर कोई भी शुगर हो सकती है जो कि क्यूप्री को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर रही है। बात समझ में आई आपको मेरी, ये शुगर कोई भी शुगर हो सकती है जो क्यूप्री को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर रही है। तो हमको अगर पता लगाना है कि इसको सच में ग्लूकोज लेवल ही बढ़ा हुआ, हम क्या देख रहे हैं, ग्लूकोज पता लगा रहे हैं। अगर हमको सच में पता लगाना है कि ग्लूकोज लेवल ही देख रहे हैं तो स्ट्रिप, यूरिन स्ट्रिप आती है, स्ट्रिप मेथड एक्चुअली यूज नहीं लगे, आप क्या करें स्ट्रिप मेथड से लगाइए, या तो फिर आप अलग 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 एक एक का क्वालिटेटिव एनालिसिस करिए, गैलेक्टोज का, माल्टोज का, सुक्रोज का, लैक्टोज का, फ्रक्टोज का, सबका क्या करना पड़ेगा, फिर अलग 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 मैनुअली करना पड़ेगा आपको टेस्ट। फिर जो अगर ये नहीं निकला, चलो फ्रक्टोज नहीं, चलो ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं, चलो सुक्रोज नहीं है, सॉरी फ्रक्टोज गैलेक्टोज माल्टोज लैक्टोज की अगर कोई भी नहीं है तो जो निकला चलो ये यानी शुगर यूरिन में प्रेजेंट है। पर अभी क्या हो गया है कि साइंस का अच्छा तरक्की कर ली साइंस ने, तो यूरिन स्ट्रिप आ गई, तो यूरिन स्ट्रिप आप चेक कर लीजिए, यूरिन स्ट्रिप आपको इंडिकेट करती है इसमें शुगर प्रेजेंट है अगर, तो फिर आप कंफर्म कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि हाँ यूरिन में शुगर प्रेजेंट है। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो, समझ में नहीं आया हो, प्लीज दोबारा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, समझ में आया तो जरूर बताइए कि हाँ सर हमको समझ में आया है आपने जो पढ़ाया है, नहीं आया तो बोलिए सर नहीं आया है समझ में, पर मुझे पता चलना चाहिए कि अगर मैंने आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया हो तो आप तक पहुंची है क्या, आपके दिमाग में घुसा है क्या, हम क्या आप करने बैठे हैं यहाँ पे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रटाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपके यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, स्पून फीडिंग नहीं करने के लिए बैठा हूँ, यहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठे हैं। चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में पेपर दे दो, चाहे आपके कॉलेज के कोई एग्जाम में पेपर दे दो, या कहीं भी जाके पेपर दो, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वहां पे आपको आंसर करने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बेटा आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।